नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। एक नई खबर देने जा रहा हूं, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों, नागरिकता संशोधन बिल CAB के खिलाफ पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। असम में राजधानी गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ समेत कई इलाकों में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इस वजह से असम जा रही फ्लाइटों को कैंसिल किया जा रहा है। आपको बता दें, विस्तारा, इंडिगो और स्पाइसजेट ने अपनी दर्जनों फ्लाइट को 13 दिसंबर तक कैंसिल कर दिया है। डिब्रूगढ़ से 12 फ्लाइट कैंसिल हुई है। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार कोलकाता से डिब्रूगढ़ जाने वाली सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ बीती रात 11:20 पर कर्फ्यू लगाए जाने के बाद डिब्रूगढ़ के मनोहर मोहनबारी एयरपोर्ट से होने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। वहीं डिब्रूगढ़ की 12 फ्लाइट कैंसिल हुई, जिसमें 5 जाने वाली और 7 आने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। आपको बता दें, AI705706 कोलकाता डिब्रूगढ़ कोलकाता उड़ान को आज सुबह रद्द कर दिया गया। वहीं एयर इंडिया के शेष सभी फ्लाइटों पर तय कार्यक्रम के अनुसार ही चलाया जा रहा है। इंडिगो से गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट से आज कल शुक्रवार को होने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वहीं गुवाहाटी एयरपोर्ट की अब तक की 6 कैंसिल कर दी गई है और 4 जाने वाली और 2 आने वाली उड़ानें शामिल हैं इंडिगो की। वहीं स्पाइसजेट की अगर आप बात करोगे तो उन्होंने अपनी उड़ानें रद्द करी हैं। असम में हिंसक प्रदर्शन का कारण बताया है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जाने वाली फ्लाइट के रद्द होने के बाद यात्रियों के पैसे लौटा दिए जाएंगे और इन सभी ने अपने ऑफिशियल्स पर यह सूचना जारी कर दी गई है। तो एक बार अपना, अगर आपकी कोई भी ट्रेवल टाइम है तो आप एक बार अपनी एयरलाइन से कॉन्टैक्ट जरूर साधें। साथ में आप बता दें, अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने शहर में प्रदर्शन के दौरान कुछ वाहनों को आग लगा दी है। वहीं बुधवार की शाम को कर्फ्यू लागू किया गया और यह स्थिति सुधारने के लिए जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने सेना को तैयार रहने को कहा है। असम में छात्र संगठनों की अगुवाई में चल रहे प्रदर्शन में काफ़ी तोड़फोड़ की गई थी। असम में गुवाहाटी, राजधानी दिसपुर और दूसरे संकटग्रस्त जगहों पर केंद्रीय असैनिक बल एवं एक टुकड़ी और राज्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आपको बता दें, राज्यसभा में भी कैब पास हो चुका है। बुधवार शाम करीब 6 बजे की बहस के बाद राज्यसभा नागरिकता संशोधन बिल CAB पास हो गया। बिल के समर्थन में 125 विरोध में और 99 वोट पड़े थे विरोध में। वहीं कांग्रेस, TMC ने इस बिल का विरोध किया और संविधान के खिलाफ बताया। बिल के पास होने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी। कैब को लेकर हो रहे लगातार प्रदर्शन को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्य में बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। वहीं बुधवार देर शाम को असम राइफल्स की 2 कॉलम्स को त्रिपुरा में तैनात किया गया ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और TMC के अस्थायी दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी थी। वहीं इसके अलावा असम में 10 जिलों में इंटरनेट को बंद रखा गया है। तो दोस्तों, ये है अभी तक की अपडेट। कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताइए। कोई भी सवाल, सुझाव, सजेशन अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं आपका दोस्त नायक, आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।